आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। जिले में पिछले कुछ समय से लड़कियों के फोटो के साथ लड़कियां सप्लाई करने के कमेंट सोशल साइट्स पर डालकर धोखाधड़ी की वारदातें बढ़ रही थी। आरोपी सोशल साइट्स पर लड़कियों के फोटो के साथ लड़कियां उपलब्ध करवाने का झांसा देकर लोगों से रुपए ऐंठ लेते। इसे लेकर प्रशिक्षु RPS भवानी सिंह, आसपुर थानाधिकारी संजीव स्वामी, SI किशोर सिंह, हेड कांस्टेबल नवीन कुमार, संजय कुमार, महावीर, यशपाल, अभिषेक, राहुल, मुकेश, लोकेंद्र सिंह व राजेंद्र सिंह की टीम का गठन किया गया। इस दौरान पुलिस ने सोशल साइट्स लाकुंटों काम पर निगरानी शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस को कई इनपुट मिले। आसपुर थानाधिकारी संजीव स्वामी ने बताया कि मामले में पारडाजानी निवासी रमेश पुत्र वालजी पाटीदार, संतोष पुत्र देवीलाल पाटीदार, प्रेम पुत्र रत्नजी पाटीदार को हिरासत लेकर पूछताछ की तो वारदात करना कबूल कर लिया। पुलिस ने तीनों के पास से एक मोबाइल व 10 अन्य मोबाइल जब्त कर लिए हैं। पुलिस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं इसमें 2 अन्य आरोपियों की सरगर्मियों से तलाश की जा रही है। खबर आपकी राजस्थान से प्रवीण कुमार कोठारी की रिपोर्ट। गांव है उसके अंदर हमारे डूंगरपुर के SP साहब, एडिशनल SP साहब और CO साहब सागवाड़ा के निर्देशन में प्रशिक्षु RPS भवानी सिंह जी हमारे हैं, उनके और हमारे थाने की टीम के द्वारा इसके अंदर कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर कुछ लड़के उस गांव के एक वेबसाइट है जिसके अंदर लोगों को कुछ लड़कियों के बारे में लोग लुभावन फोटो भेज करके और उनसे उस लड़कियों को सप्लाई करने की एवज में उनसे एडवांस में कुछ पैसे कोई होटल या स्थान निश्चित करने के बाद में उनसे ले लेते हैं और कुछ रकम उनसे आने के बाद में वो उस आदमी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। इस तरह से जो लड़कियों की एवज में जो पैसा उनके पास आता है इस तरह से वो लेकर के इस तरह से ऑनलाइन ठगिंग लोगों से करते हैं। कोई ना कोई शहर चुन लेते हैं उसके अंदर वो और उस शहर के लोगों से जिनको लड़कियों की आवश्यकता होती है उसकी एवज में उनसे ये इस तरह से ऑनलाइन ठगिंग का ये काम करते हैं, जिसके अंदर 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इसके अंदर IT Act और धोखाधड़ी के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है जिसका अनुसंधान